जैसे कि आप देख सकते हैं स्केलेसिस है, लोअर लंबर तकरीबन पूरा स्केलेसिस हो चुका है, और लोअर लंबर में L1, L2, L3 इसमें अर्थराइटिस भी है, डिस्क भी लोकेट है, पिंचिंग नर्व है जिसके कारण फुट ड्रॉप भी हो चुका है, और लोअर बैक और शियाटिक का काफ़ी सीवियर पेन है। MRI भी देख सकते हैं, MRI का भी रिपोर्ट है, इसमें भी दिखा रहा है कि नर्व कंप्लीट कंप्रेस हो गया है। इधर भी देख सकते हैं L1, L2 में भी कंप्रेशन है, 4, 5 में काफ़ी ज़्यादा कंप्रेशन है। सो लेट्स स्टार्ट दिस। ये आपके कौन है? ओके, क्या प्रॉब्लम है उनको? वो चल नहीं सकती, खड़ी है। ओके, डॉक्टर ने अभी आपने MRI वगैरह किया, कोई ऑर्थोपेडिक सर्जन से भी आपने कंसल्ट किया? हाँ। तो डॉक्टर का क्या कहना है? डॉक्टर को ये कहना है कि ऑपरेशन करना। ओके, और ऑपरेशन के बाद वो चल पाएगी, डॉक्टर ने ऐसा कुछ बताया? हाँ, चल पाएगी बताया, लेकिन ऑपरेशन करने का आपका विचार है? ओके, आप इससे पहले कभी उनको यहाँ लाए थे? हाँ, लाए थे ना पहले। कभी लाया था आपने? 2 बरस हो गए। 2 साल हो गए। 2 साल पहले उनको इसी टाइप का तकलीफ हुआ था? था। 2 साल पहले 2-3 सिटिंग, कितना की सिटिंग किया था आप? दो सिटिंग किया था। 2 सिटिंग करने के बाद उनको चल पाते थे, लेकिन अभी वापस रिक्रिएट हुआ है। चलो ठीक है। स्केलेसिस हो गया, ये पूरा कर्व हो गया बॉडी, इसके कारण स्वेलिंग भी काफ़ी है। इधर का जो रीजन है ये काफ़ी नॉर्मल है, ये काफ़ी स्वेल है। लूज़ लूज़ छोड़ा
घाबरून चालू नका, बसा। म्हणजे आता जे त्रास सुरू होता तुम्हाला, तो त्रास मान पाठ कंबर मध्ये जास्त होता, ताटलेला होता तो भाग, तर तो मानपाट कमरेतला भाग किती कमी झाला असेल दुखणं त्याच्यातला? एक रुपया त्रास होता, एक रुपयातला किती कमी झाला असेल? ओके, ठीक आहे, ठीक आहे। ये आपके कौन है? ओके, क्या प्रॉब्लम है उनको? वो चल नहीं सकती, खड़ी है। ओके, डॉक्टर ने अभी आपने एमआरआई वगैरह किया, कोई ऑर्थोपेडिक सर्जन से भी आपने कंसल्ट किया? हाँ। तो डॉक्टर का क्या कहना है? डॉक्टर को ये कहना है कि ऑपरेशन करना है। ओके, और ऑपरेशन के बाद वो चल पाएगी, डॉक्टर ने ऐसा कुछ बताया? हाँ, चल पाएगी बताया। हाँ। लेकिन ऑपरेशन करने का आपका विचार है? ओके, आप इससे पहले कभी उनको यहाँ लाए थे? हाँ, लाए थे ना पहले। कभी लाया था आपने? दो बरस हो गए। दो साल हो गए। दो साल पहले उनको इसी टाइप का तकलीफ हुआ था। था। दो साल पहले दो तीन सिटिंग, कितना की सिटिंग किया था आप? दो सिटिंग किया था। दो सिटिंग करने के बाद उनको चल पाते थे, लेकिन अभी वापस रिक्रिएट हुआ है। चलो, ठीक है। स्वेलिंग भी काफ़ी है, इधर का जो रीजन है ये काफ़ी नॉर्मल है, ये काफ़ी स्वेल है। यहाँ से स्कैलिसिस ज़्यादा है। इधर दुखते हैं ना मौशी? यहाँ दुखता है ना? हाँ, इधर पर जास्त दुखते हैं? इधर जास्त दुखते हैं ना? आर्थराइटिस प्रोमिनेट हो गया, ये बड़ा बड्डी वाला। L3 है, L4 है, L5 है। इतने जस्ट तो दुखते पा? नहीं, इतने नहीं। दो नहीं बाद। लूज थोड़ा, लूज, एक श्वास लिया, बाहर, शांत। लूज थोड़ा, श्वास लिया, बाहर, पास, बाहर, बाहर, लूज थोड़ा, लूज थोड़ा, लूज थोड़ा, पुनः लूज, श्वास लिया एक, ये हाथ दिसम, लूज लूज थोड़ा, लूज थोड़ा, तो ताट नहीं है, तो ताट कर दिसम वो भी बंद है, लूज, लूज सोड, श्वास लिया एक, एक श्वास लिया मोटी, बाहर, ऐसे नहीं, तो मैं ये श्वास लिया,
छोटा है थोड़ा सा क्या पाया हाँ पाया छोटा है घाबरून चालू नका बसा म्हणजे आता जे त्रास सुरू होता तुम्हाला तो त्रास मान पाठ कंबर मध्ये जास्त होता ताटलेला होता तो भाग तर तो मानपाट कमरेतला भाग किती कमी झाला असेल दुखणं त्याच्यातला एक रुपया त्रास होता एक रुपयातला किती कमी झाला असेल